उद्योगपति गौतम अडानी के मुद्दे पर जो विवाद शुरू हुआ है देश में वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इस बार बजट सत्र में विपक्ष का ये आरोप है कि सरकार ऑटोक्रेटिक तरीके से काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि गौतम अडानी के मुद्दे पर जो भी हमने आरोप लगाए हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो जिन्होंने लोकसभा में, या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जिन्होंने कहा है, उनकी बातों के कुछ हिस्सों को एक स्पंज यानी हटा दिया गया है संसद की कार्यवाही से। क्या वाकई सरकार अहंकार में विपक्ष की आवाज को दबा रही है? इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। तालियों के साथ आप सभी का स्वागत, क्योंकि यहां पर मौजूद युवा आज करेंगे सवाल। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सांसद, भारतीय जनता पार्टी के यहां पर पहुंच गए। सुप्रिया शिंदेश जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, दोनों का तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए। लेकिन इससे पहले कि हम सवालों की बौछार करें, आइए आपको सुना देते हैं क्या आरोप विपक्ष लगा रहा है। देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। संसद से पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला किया, कांग्रेस वालों को खूब घेरा, सालों तक सत्ता में काबिज रही देश की सबसे पुरानी पार्टी को खूब आईना दिखाया। अब कांग्रेस को प्रधानमंत्री के भाषण में अहंकार की झलक मिल रही है। कईयों प्रश्नों का उन्होंने जवाब नहीं दिया, सिर्फ जनरल भाषण दिए और वो उन्होंने कहा कि वो एक ही इंसान इस देश को बचा सकता है, मैं सबको भारी पड़ रहा हूँ। ये अहंकार की बात उन्होंने की ताकि हमारे सवालों का जवाब उन्होंने नहीं दिया। कांग्रेस इस बात से आग बबूला है कि पार्टी के अध्यक्ष और राहुल गांधी के भाषण के बड़े हिस्से को सदन की कार्यवाही से क्यों हटाया गया। कांग्रेस का आरोप है कि विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। अपना चुनावी भाषण के जैसा छाती ठोक ठोक कर उन्होंने अपना भाषण दिया। ठीक है, हर एक को फ्रीडम ऑफ स्पीच है और अपने तहत बात करते हैं, लेकिन वैसी आजादी हमको पार्लियामेंट में कानून के तहत, संविधान के तहत और रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स के तहत मिलना चाहिए। चाहे खड़गे जी का हो, चाहे हमारे यहाँ पे अधीर रंजन चौधरी साहब जी का नोटिस हो, ये स्पीकर और चेयरमैन राज्यसभा नियम बने हुए हैं। कौन ऐसे संसदीय बोला, कौन ऐसे व्यक्ति पर बोला जो आउटसाइडर है और हमसे पहले नोटिस, हमसे पहले परमिशन नहीं ली। राहुल गांधी ने लोकसभा में अडानी मामले को लेकर सरकार को जमकर घेरा था। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ढेरों आरोप लगाए थे। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए विपक्ष पर जोरदार पलटवार किया। टीचर उसके पास था, मेरे पास गुलाल, जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस बार बार यही कह रही है कि प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया। इंक्वायरी की बात नहीं हुई, अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी करा देता हूँ। इंक्वायरी की बात नहीं हुई, डिफेंस इंडस्ट्री है, वहां पे शेल कंपनीज हैं, बेनामी पैसा घूम रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। तो मतलब क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उधर अडानी मसले को लेकर कांग्रेस ने सड़कों पर भी मोर्चा खोल रखा है, लेकिन सवाल ये कि सिर्फ आरोपों के भरोसे सियासत कब तक चमकाई जा सकती है। आज तक ब्यूरो।